क्वेश्चन नंबर 14, इवेलुएट इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें अगर हम इसको बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना चाहेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि अगर हम इसके डिनोमेटर को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो न्यूमरेटर का कोई भी पार्ट नहीं आएगा, और न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएशन करने से डिनोमेटर के भी आएगा नहीं, और ये फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर है क्योंकि इसके न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमेटर से हायर है। तो पहले हम इस इम्प्रॉपर को प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो इसके टू मेथड है, या तो आप इसको डिवाइड करके कर लो या इसके न्यूमरेटर को बैलेंस करके। पहले हम इसमें बैलेंस करके करते हैं, ये एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, और फिर हम फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे। तो ये होगा एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इसमें हम एक्स कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एक्स प्लस वन अपॉन, और यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स, और फिर इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम डिवाइड करके भी कर सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन को हम डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन से, एक्स से लेंगे तो ये होगा एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस प्लस, ये कैंसिल हो रहा है, और ये टू एक्स प्लस वन ये रिमाइंडर होगा। तो फ्रैक्शन इक्वल टू ये होता है, इसको लिखते हैं कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमेटर। तो हम इस फ्रैक्शन को लिख सकते हैं एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, पहले कोसेंट है तो कोसेंट हमारा एक्स है, और रिमाइंडर है टू एक्स प्लस वन अपॉन, और डिनोमेटर है एक्स स्क्वायर माइनस वन। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, और इसके बाद हम इंटीग्रेशन को टर्म वाइज सेपरेट कर लेंगे तो ये होगा एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स, और फिर हम सेकंड वाले टर्म को इंटीग्रेट करने के लिए इसमें हमें पार्शियल लगाना पड़ेगा। सो लेट टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, और इनका एलसीएम लेंगे तो इसका इन दोनों का एलसीएम यही होगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो ये होगा ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, और लेफ्ट साइड में टू एक्स प्लस वन, और बोथ के जो डेनोमेटर है वो उसको हमने कैंसिल कर दिया। सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और फिर हम इस इक्वेशन से ए और बी को बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो
पहले हम ये एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो इससे ए की वैल्यू फाइंड होगा, और फिर अगेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो लेंगे तो इससे बी की वैल्यू फाइंड होगी। सो नाउ टेकिंग एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, और इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। एंड पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट, तो ये होगा माइनस टू प्लस वन, और यहाँ पे होगा माइनस वन माइनस वन, और बी वाला टर्म तो ज़ीरो होगा क्योंकि एक्स प्लस वन की वैल्यू ज़ीरो है। ये हुआ माइनस वन इक्वल टू ए इंटू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, सो ए इक्वल टू वन बाई टू, ये हमारा ए की वैल्यू फाइंड हो गया। इसी तरह से अब हम एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो लेंगे, अगेन टेकिंग एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू वन, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी गेट, तो ये होगा टू प्लस वन इक्वल टू, और अब हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, वन प्लस वन, सो थ्री इक्वल टू बी इंटू टू, सो इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू थ्री बाय टू, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई, और इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए की वैल्यू है वन बाई टू अपॉन एक्स प्लस वन, और बी की वैल्यू है थ्री बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस वन बाई टू इंटू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स, इसमें थ्री बाई टू को भी भर लेंगे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस थ्री बाई टू इंटू लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी आंसर। Thank you.